हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग कर चुके बेरोजगारों ने राज्य सरकार से 50% पदों को बैच वाइज भरने की मांग उठाई है। मंडी के पटेल मैदान में जिला बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से आए बेरोजगारों ने भाग लिया। संघ के जिला प्रधान भूपेंद्र गुलेरिया ने बताया कि एलोपैथिक फार्मासिस्टों के 50% पद बैच वाइज तरीके से भरे जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना है कि बहुत से बेरोजगार फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। भूपेंद्र गुलेरिया ने बताया कि जल्द ही संघ के पदाधिकारी इस मांग को सीएम जयराम ठाकुर के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे, ताकि 50% पद बैच वाइज तरीके से भरे जा सके। वहीं संघ के जिला सचिव जितेंद्र सिंह अत्री ने बताया कि इस वक्त प्रदेश में 1167 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां हैं, जिनमें आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के 600 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। प्रदेश में 5000 बेरोजगार ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपना पंजीकरण करवा रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ पदों के लिए सीधी भर्ती निकालती है, जिससे ना तो इस वर्ग का कोई लाभ हो रहा है और ना ही विभाग का। इन्होंने मांग करते हुए कहा कि एलोपैथिक की तर्ज पर इन्हें भी ये सुविधा प्रदान की जाए। प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जैसे एलोपैथी फार्मासिस्टों की 50 बैच वाइज और 50 कमीशन से भर्ती होती है, उसी बेस पर हमारी आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की भर्ती हो। इसके लिए हम आज पडल ग्राउंड मंडी में इकट्ठे हुए हैं। तो हम एक सरकार से मांग करते हैं कि जैसे कि आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की 50 बैच और 50 कमीशन की तरह भर्ती होती है, उसी तरह आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की भर्ती भी की जाए। और ये हमारी मांग जो है 10 वर्षों से चली हुई है, पिछले 10 वर्षों से। और हमारे विभाग में 1167 डिस्पेंसरी हैं, जिनमें कम से कम 600 के करीब पोस्टें जो खाली चली हुई है, और कुछ आयुर्वेदिक औषधालयों में ताले लटके हुए हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कम से कम 3,000 और 5,000 के बीच रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जिनमें से बेरोजगार 3,2800 के करीब हैं जो बेरोजगार हैं,